दो मैच में शुरुआत में नहीं दिखा पाए, लेकिन जैसे जैसे अब टूर्नामेंट आगे बढ़ा पीछे की मेहनत दिख रही है इनकी कि भाई इन्होंने मेहनत की थी। खिलाफ जो गेम ये जीते थे ना वहां चेज करते हुए जब जीत गए तो इनको भी उनके बल्लेबाजी में वो कॉन्फिडेंस दिखा आ गया है कि भाई अब ये कर सकते हैं। और आज भी लगभग उसी अंदाज में बिल्कुल आराम से, चेज में बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया। वही इनके कप्तान शाहिदी और रहमत शाह जो शुरू में रन नहीं बना रहे थे तो उनकी आलोचना हो रही थी बाद के दो मैचों में। सर यही है ना, देखो विनिंग कंट्रीब्यूशन इब्राहिम दादरान और गुरबाज आज की डेट में सबको बताएगी ये दोनों तो अच्छे रन कर रहे हैं और मतलब इनका फॉर्म का मसला नहीं है। फिर आपके पास रहमत शाह जिनके नीचे स्कोर उतनी नहीं आ रहे थे उस तरीके से, इन दोनों रन चेजेस में उन्होंने वो सीनियर बैटर वाला किरदार निभाया है, बखूबी निभाया है। आई थिंक शाहिदी वो थोड़ा कंपैरेटिवली बाकियों से स्लो खेलते हैं इस लाइनअप में, बट शाहिदी ने वो मैच्योरिटी दिखाई है कि भाई ये रनचेज चलानी कैसे है, चलानी कैसे है रनचेज, तो शाहिदी वहां पर हो गए। उमर जाय इनके लिए एक प्लस हो गए हैं, जो मैं कह रहा हूं कि भाई अफगानिस्तान क्रिकेट को खुद नहीं पता था कि उमर जाय हमारे लिए पहले बॉलर है या पहले बैटर है। अब उन्होंने समझ लिया कि बैटिंग में इनको थोड़ा जो प्रमोशन मिला है और कभी हालात की वजह से इनकी जो पहले बैटिंग लग गई जैसे इंडिया वाले मैच में जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया उसके बाद आप देखो इनकी बैटिंग बेहतर ही लग रही है आपको बिल्कुल। और फिर अभी भी जो हम इकराम की बात कर रहे हैं वो एक अच्छे बल्लेबाज है और फ्यूचर भी है जो कि तीन चार पर बल्लेबाजी के। आप कितने खुश हो मैं आपसे जानना चाहता हूं अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस। मैं तो सर बहुत खुश हूं अफगानिस्तान। आप जय कितना खुश हो? बहुत खुश। अब सर वही बात है ना कि हम बात कर रहे हैं कि भाई नीचे वाली टीमें ऊपर आ रही ऊपर आ रही, बट इस टीम में पोटेंशियल तो था। गेंदबाजी हमेशा से इनकी बात होती थी, दो महीने पहले शायद हम इनकी बल्लेबाजी की बात नहीं देखो इनकी दो बात फास्ट बॉलिंग की बात भी नहीं होती थी, फास्ट बॉलिंग की बात नहीं होती थी, बैटिंग की बात नहीं होती। सर इन्होंने आपको याद होगा वार्म अप में भी हराया था जब उस मैच में मेंडिस ने किए थे श्रीलंका वाला ही, और फिर गुरबाज ने भी इधर से रन बना दिए थे। आप दीपक खुश है? नहीं सर सब में। अगर मैं आपको कहूँ कि आप डांस कर लेंगे? नहीं बिल्कुल। कौन सा वाला? वही कल भंगड़ा किया था जो हमने। तो आज अफगानिस्तान की जीत पे क्या करोगे? यार अफगान डांस अफगान जलेबी खा लूंगा। अफगान जलेबी ये तो बात है। तो आज अफगान ने वही पूछा नहीं तो लाइक कर दो ना फिर इस वीडियो को आप अपने फोन पे। वीडियो तो मैंने लाइक कर दिया वीडियो पे ही। आप लोगों को आप भी अपने अपने फोन पे इस पहले वीडियो को लाइक कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करवाइए क्योंकि हम 7 मिलियन के इतना करीब आ गए यार। एक एक सब्सक्राइब किया हुआ जो परिवार का मेंबर होगा ना वो मतलब हमारे लिए क्या मायने रखता है वो देखिए। 22,000 वीडियो को लाइक करना है आपने। 22,000 लोग हमारे साथ हैं अभी, 10% लाइक है 2200, आप इसे 11,000 कर दो 50% तो अभी कर दो 10 मिनट के अंदर। चलो वेरी गुड। और जो हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे और बात भी कर रहे थे कि उनके लिए देखो जो दिखा भी रहे तीनों जीत जो उनकी रही यहीं से दिल्ली से ही शुरुआत हुई थी। जिस तरीके से दिल्ली में इन्होंने खेला इंग्लैंड के अगेंस्ट, फिर पाकिस्तान वाला मैच वो तो इतिहास इनके लिए ये कि ऐसा लग रहा है कि अब बहुत लम्हे ऐसे आएंगे जब इतिहास एक तरीके से एक के बाद एक बनाते ही रहेंगे। नबी को हटा दो इस लाइनअप से अगर, मतलब कि परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं कह रहा मैं एज वाइज भी कह रहा हूँ, तो इन सब खिलाड़ियों के पास अच्छा वक्त है अभी नहीं। ये नबी का देखो नबी की शायद परफॉर्मेंस की इतनी जरूरत नहीं पड़ी बट ड्रेसिंग रूम में ना प्रेजेंस भी बहुत मैटर करता है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि सर इन फ्यूचर भी। कांग्रेचुलेशंस अजय जडेजा साहब। हाँ कुछ तो है उनमें भी और मैं पर ये नहीं है। और अजय जडेजा को भी मैं जानता हूं वो किसी भी स्टेज पर ये नहीं है कि प्लेयरों से क्रेडिट लेंगे कि मैं था मैंने ड्रेसिंग रूम में किया। शायद यही उनकी ताकत भी है, शायद उनकी यही ताकत भी है कि वो प्लेयर्स को। और मैंने यार उनका तरीका देखा है, अजय जडेजा को मैंने कितनी बार आपको बताए 2-3 डोमेस्टिक मैचेस बताए हैं कि उनकी सोच हरियाणा की टीम को वो कैसे क्या करके मोटिवेट कर लेते थे। भाई कमाल की सोच है। उस दिन भी पाकिस्तान के खिलाफ जब जीते थे तो उन्होंने राशिद को आगे कर दिया था। आज भी वो आज थोड़ी वो आगे दिख रहे हैं। सही बात है। गुड अमेजिंग पॉइंट्स टैली अगर आ गई हो ऋषभ हम नजर डाल सकते हैं पॉइंट्स टैली अपडेटेड अगर आ गई हो। फारूकी का भी लेकिन ब्रेक सर जो आपको हमारी वेबसाइट www.thesportstalk.com की कर्टसी मिल रही है। और बाय द वे अगर आप पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं अंग्रेजी में हिंदी में तो हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं। स्पोर्ट्स तक ऐप अगर आपने डाउनलोड किया है तो उसमें भी आपको मिलता है सब कुछ, वीडियो हाइलाइट्स भी मिलती हैं। और अगर आपने ऐप नहीं डाउनलोड किया तो आप हमारी वेबसाइट www.thesportstalk.com पे सारी तफसील ले सकते हैं। पॉइंट्स टैली आ गई है जी। लो जी पॉइंट्स टैली पर मनोज नजर डालें। पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पे हो गया अफगानिस्तान। 5वें पर आ गई है अफगानिस्तान भाई। ये टेक अ स्क्रीनशॉट यार। टॉप 5 में आ गई है श्रीलंका। पाकिस्तान 7वें नंबर पे चला गया बाय द वे 7th। तो ये है देखो अफगानिस्तान अब 6 में से 3 हो चुका है। अगर इनके पास वो जीत होती बांग्लादेश वाली तो 6 में 4 और अलग सिनेरियो होता। आप रियलिस्टिकली ये कम्पीट कर रही होती टीम, बट अब ये कि 3 में से 3 जीतने इन्हें। मनोज इंग्लैंड को हरा चुके हैं वो जो नीचे है। हाँ पाकिस्तान को हरा चुके हैं जो नीचे है, श्रीलंका को हरा चुके हैं नीचे है।
ऑस्ट्रेलिया से सबने छह छह मैच खेल लिए, साउथ अफ्रीका से खेलना है, सब छह छह मैच खेल चुके हैं, इंडिया के छह में छह हैं, साउथ अफ्रीका छह में पांच है, न्यूजीलैंड छह में चार है, ऑस्ट्रेलिया छह में चार है। फिर आप आते हैं बॉटम हाफ में, अफगानिस्तान बॉटम हाफ में नहीं है अभी तो वो कंटेंशन में है, वो पांचवें नंबर पे है फिफ्थ, अफगानिस्तान है छह में तीन, अब बाकी अफगानिस्तान के छह में तीन है, किसी के छह में और तीन नहीं है, छह में दो दो है श्रीलंका पाकिस्तान के, नेदरलैंड्स के भी छह में दो है, और बांग्लादेश और इंग्लैंड तो नीचे के लिए लड़ रहे हैं कि नौवां दसवां कौन होगा, और बांग्लादेश का कल पाकिस्तान से मैच है, आई थिंक होपफुली बांग्लादेश को कल भी हार मिलेगी। अब वही है ना, क्योंकि इसमें अब थोड़ा सा अब ये भी है कि बाकी जैसे इंग्लैंड सोच रहे कि बांग्लादेश हार जाए, क्योंकि वो भी देखेगी भाई कि चैंपियंस ट्रॉफी, अब इनकी लड़ाई नीचे की तो चैंपियंस ट्रॉफी की, इन दो टीमों का ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी कोई खेलेगा, इंग्लैंड तो ये कह रहा होगा हमें पहले किसी ने बताया क्यों नहीं कि ऐसा, वो तो बोल ही रहे हैं, कह नहीं रहा होगा, वो बोल रहे हैं, कोच ने कल बोला है डेढ़ घंटे पहले पता चला, पर इतना मतलब जो रन चेज में इन्होंने इतनी आसानी से वो दिखाई है, और आप बात करते हो कि फीचर जो पार्टनरशिप्स का, आज भी जो पार्टनरशिप ऋषभ आप बता रहे थे एक बार दिखा रहे थे अगर दिखाएं तो पार्टनरशिप हम कहते हैं कि भाई कितनी क्रूशल होती है, 111 रनों की नाबाद साझेदारी एक रन चेज में, बताओ यही तो आप चाहते हो, आप जब एक रन चेज कर रहे हो पार्टनरशिप चाहिए होती है, 111 रनों की इन्होंने खेली नॉट आउट यहां पर पार्टनरशिप, शाहिदी ने जिसमें ज्यादा एक सपोर्ट रोल खेला और उमर जाए को जैसे मौके लगे उन्होंने हिटें भी लगाई, फिर इनकी जो इससे पहले भी पार्टनरशिप हुई थी वो भी आपकी ठीक था, शायद मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया वाला मैच गलत जगह पे पड़ गया, मुंबई में आई थिंक इनका मैच ऑस्ट्रेलिया से, अदरवाइज वो चेन्नई या फिर कुछ ऐसी लखनऊ होता ना लखनऊ में तो ये कर देते ऑस्ट्रेलिया को 73 रनों की। देखो ये भी जो है इसमें फोटो और उसका गड़बड़ लग रहा है मुझे, एक और आपने गड़वा दी यार ऊपर, थोड़ा सा माफी चाहते हैं उसके लिए, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है दोस्तों, लेकिन वो पार्टनरशिप जो रही थी वो भी थोड़ी सी क्रूशल वक्त पर उसके लिए वहां पर जिस तरीके से उन्होंने खेला भी है, पर अफगानिस्तान का जो हम बात करते रहे T20 वर्ल्ड कप से हम यही कहते रहते थे जब भाई कि अंडर परफॉर्म कर गए कुछ तो करो यार, इतना दुनिया भर में खेलते हो, बट वनडे वर्ल्ड कप में ये उम्मीद नहीं थी इनसे कि इस तरीके से करेंगे कुछ, वही चीज है ना कि अब देखने वाली बात हो जाती है, अब इस तरह की परफॉर्मेंस फिर किसी को भी डिसअपॉइंट करेगी। हाँ और अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि भाई कि हम किसी से कम नहीं दीपक भाई, और श्रीलंका के बारे में क्या कहेंगे, नहीं मैं बिल्कुल श्रीलंका भी कमेंट्स देख रहा जाती था। जागती है सोती है, इंग्लैंड को हरा दिया पर अब फिर सो गए हैं हम, अभी आप कह रहे थे ना कि इंग्लैंड बोलेगी अफगानिस्तान की, इंग्लैंड मत समझना श्रीलंका वालों, हम हैं अफगानिस्तान, बात वही है कि यार श्रीलंका की टीम ना एक साल लगी जो 2022 में कि यार ये टीम ना बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, और शायद इनके क्रिकेट में अब कुछ अच्छा आएगा आपको, और यहां से खिलाड़ी बढ़ेंगे, कुछ खिलाड़ी मिले हैं इनको, ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई इनको कोई खिलाड़ी ही नहीं मिला वहां पर गए तो, पर वही बात है नई खिलाड़ी कंसिस्टेंसी, आज भी तीन खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है भाई, निशांका आपके, चलो निशांका का तो एक लिमिट है कि 50-60 रन के बाद उनका खुद ही उन्होंने अपनी लिमिट बना दी है कि मेरा यही है क्राइटेरिया, हां सदीरा और आपके कुशल मेंडिस, इन दोनों के भरोसे आप वर्ल्ड कप में जीते भी हो, और वर्ल्ड कप में नए थोड़ी है आप उनको बहुत टाइम से देख रहे हो, बट ये है कि नए खिलाड़ी जो आ रहे हैं उनको ये चीज सीखनी होगी कि भाई T20 क्रिकेट का डिफरेंस क्या है और ओडीआई क्रिकेट किस तरह से खेलनी है, आपको 30-35 रन बनाने से आप T20 में अच्छे बल्लेबाज कहला सकते हो, ओडीआई में आपकी गिनती नहीं होगी, अगर 35 रन बनाओगे शुरुआत के लिए चलो ठीक है कि आपके यहाँ एक पोटेंशियल दिख जाएगा कि आप रन बना सकते हो, बट उसको कन्वर्ट करना भाई जीत की जिम्मेदारी, जीत के लिए जिम्मेदारी तो कोई लेगा आगे बढ़ के, एक वनिंदु हसरंगा चलो नहीं थे, कैंपेन देखिए दीपक भाई आप अफगानिस्तान की जो हम दिखा भी नहीं, पूरा फुल फ्रेम आप दिखा दीजिए, देखो जब ये शुरू हुई और दोनों मैच में जैसे गिरे, क्योंकि बांग्लादेश वाला मैच एक बुरी हार थी, इंडिया वाले में एक एक्सपेक्टेड टाइप का रिजल्ट था, बट देन अगेन वहां पर भी एक थ्रेशिंग थी, लेकिन उसके बाद ये दिल्ली में टीम आकर वापस एक कमबैक करती है, बीच में एक मैच जो न्यूजीलैंड से ड्रॉप किया इन्होंने वहां पर भी ये टीम उस मुकाबले को और कड़ा कर सकती थी, देखो जीतती हारती जो भी होता बट और अच्छा बना सकती थी, फील्डिंग इतनी खराब हो गई ना, नहीं तो वो आप देख सकते हैं इंडियन मीडिया का रिएक्शन आया है, उन्होंने बोला है कि अफगानिस्तान के जो प्लेयर फॉर्म में नहीं थे शाहिदी और अहमद शाह, उन्होंने फॉर्म में ला के अफगानिस्तान को विनिंग ट्रैक पर लाया है, और वो जब चेस कर रहे हैं तो वो पैनिक भी नहीं कर पा रहे, क्या आपको ये लगता है कि अहमद शाह और उनके कप्तान शाहिदी फॉर्म में आने से क्या अफगानिस्तान की किस्मत बदल सकती है, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहना, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, गुड बाय दोस्तों।